सतगुर प्यारा मेरे लाड है, सतगुर प्यारा मेरे लाड है, सतगुर प्यारा मेरे लाड है। लोक यात्रा में आज हम अपने यात्रा को शुरू कर रहे हैं पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से। यह क्षेत्र 2008 में लोकसभा परिसीमन के बाद सामने आया था, जिसमें पटना की कुल 6 विधानसभा की सीटें शामिल है, जिसमें से बख्तियारपुर, फतुहा, पटना साहब, कुमरार, बांकीपुर और दीघा विधानसभा की सीटें जो है वो आती है। और चूंकि यह राजधानी पटना की जो अधिकांश जो इलाका है वो इसके अंदर कवर होते हैं, तो इस लिहाज से यह बिहार की सबसे प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है और इसमें कुल 19 लाख मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ये रही बात पटना साहब संसदीय क्षेत्र की। चूंकि पटना साहब संसदीय क्षेत्र का नाम ही इसलिए मिला है चूंकि इस क्षेत्र में पटना तख्त हरमंदिर साहब है और इसीलिए इस विधानसभा की एक पहचान बनी है पटना साहब के नाम पे। चूंकि यह सिखों का मक्का भी कहा जाता है, सिख धर्म में इसे मक्का का भी दर्जा है और यही वजह है कि इस इलाके में जो है बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु विदेश के हर हिस्से से यहाँ पे प्रति वर्ष आते हैं और वो गुरु के दरबार में मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और फिर निकलते हैं। लेकिन जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा इस संसदीय क्षेत्र में होनी चाहिए थी वो शायद अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि यह क्षेत्र काफ़ी VVIP माना जाता रहा है। बड़े चेहरे यहाँ से चुनाव मैदान में रहे हैं और कई बार वो केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस क्षेत्र की जो एक बेहतर पहचान होनी चाहिए वो पहचान आज तक कायम नहीं हो पाई। तो चलते हैं आज पटना साहिब के अपने इसी यात्रा के क्रम में और जानते हैं वहाँ के लोगों से कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या समस्याएं हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए उनके प्रतिनिधि कितने गंभीर हैं। गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। अभी हम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब में मौजूद हैं और यहाँ पे चूंकि पटना साहिब अगर लोकसभा की बात करें तो पटना साहिब की पहचान इसी जगह से जुड़ी हुई है और शायद यही वजह है कि इसे पटना साहिब लोकसभा का नाम मिला है। क्या लग रहा है कि पटना साहिब जो चूंकि इसी से पटना लोकसभा का पहचान जुड़ा हुआ है तो जो सुविधाएं होनी चाहिए थी इस पटना शहर में इस हरमंदिर साहब के आसपास वो आपको लगता है चूंकि आप लोग बाहर से आते हैं? देखिए, कुछ सुविधाएँ तो नीतीश कुमार जी ने प्रलब्ध कराई हैं, इनके लिए उनका शुक्रियाना करते हैं हम पहले, और कुछ और भौतिक सुविधाएं हमें चाहिए जो अभी नहीं है। जैसे पटना स्टेशन पे हर गाड़ी को आने जाने के लिए रुकना चाहिए, यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पे एयरपोर्ट होना चाहिए जहाँ से अमृतसर के लिए फ़्लाइट, हर जगह की फ़्लाइट अवेलेबल हो। ये सुविधाएँ हों तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आपको क्या लगता है चूंकि पटना साहिब एक बड़ा आस्था का केंद्र है, बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु इसके अलावा अन्य श्रद्धालु भी आते हैं, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह पटना साहिब का विकास होना चाहिए वो विकास हुआ है, क्या कुछ होना चाहिए? विकास हुआ भी है, हो और भी हो ज़्यादा होना चाहिए। हर एक ट्रेन इधर आनी चाहिए, फ्लाइट भी टाइम से इधर आनी चाहिए ताकि आराम से पंजाब से इधर आ सके लोग। क्या लगता है अभी तक पटना सोनिहाल गुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पटना साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पावन प्रकाश उत्सव प्रकाश स्थान है, संगतां दूर दराजों तो चल के आदि हैं, लेकिन बड़ा दुख लगता है कि आज तक पटना साहब से 35 आने वाली गड्डियाँ 35 जाने वाली गड्डियाँ नहीं रुकदिया। बड़ा दुख लगता है, अजमेर नूं सहूलत है, हरिद्वार नूं सहूलत है, पूरी नूं सहूलत है, तिरुपति सहूलत है, शिरडी सहूलत है, पटना साहब में क्यों नहीं है, की कारण है? आज तक शत्रुघ्न सिन्हा ने आवाज़ नहीं उठाई कि MP होने के बावजूद पटना साहब में एक जमा 10 साल वो MP रहे नहीं, 10 साल MP रहने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। अमृतसर से पटना अगर फ्लाइट शुरू हो जाए तो वैष्णो देवी जाने वाले के लिए बहुत बड़ी साधन हो जाएगी। अगर अमृतसर से पटना साहब नई ट्रेन लगे, जगह जो जगह जगह गुरु का लंगर आएगा, संगतें दुआएँ देंगी और संगतें नाम जपती आएंगी, नाम जपती जाएंगी। चंडीगढ़ से ट्रेन आती है पाटलिपुत्रा,
लेकिन वो ट्रेन पाटलीपुर से आने के लिए जवान लड़की को गुजार रहे हैं कि कितनी परेशानी होती है, 30 किलोमीटर यहाँ से दूर है पाटलीपुत्र, लेकिन पाटलीपुर से आने जाने में कितनी परेशानी है सोचिए, जिसको रात को ट्रेन पकड़ना है 9 बजे और रात को यहाँ 6 बजे निकलेगा, कब लंगर लेके जाएगा, कब वहाँ पहुँचेगा, रस्ते में कोई घटना घट जाए उसका कौन जिम्मेवार होगा। आपको चाहिए ये पंजाब की गाड़ी है पटना साहब तक आनी चाहिए और अमृतसर से पटना साहब सचखंड ट्रेन जानी चाहिए इनको। ये पटना साहब से ऐसा अन्याय क्यों करते हैं, जबकि पटना साहब के ये MP बन के भी शत्रुघ्न सिन्हा ने कोई ध्यान नहीं रखा, सिर्फ आए और माना पाए और चले गए। क्या दिया, लोग सिर्फ यहाँ पर फोटो खिंचाते हैं, वो आ रहा जी फोटो खिंचा लिया, गुरुघर का कोई काम नहीं कराते हैं। ये संकट कैसे आएगी, कैसे जाएगी, छोटे छोटे बुजुर्ग बच्चों के साथ दो मिनट में ट्रेन चढ़ पाएंगे, सिर्फ 2 मिनट गाड़ी का ठहराव है। मैंने एक रेलवे वाले से बात किया है, आप अपने माता पिता बच्चों के साथ देखे 2 मिनट में चढ़ के दिखाइए, और रेलवे वाला अफसर कहता है बताइए आप बोलते कहाँ हैं, मैंने काम कीजिए आप चढ़ के दिखाइए कि आप 2 मिनट में आपके माता पिता और बच्चे ट्रेन में चढ़ पाएंगे। इतनी संगत हज़ारों की संगत रोज़ आती है लेकिन यहाँ गाड़ियों का ठहराव नहीं है, 35 आने वाली 35 जाने वाली गाड़ी का ठहराव क्यों नहीं है। दुनिया भर से लाइव दिखाते हैं पटना साहब का, लाइव सारे वर्ल्ड में जा रहा है, लेकिन पटना साहब का सुविधा बिल्कुल जीरो है। प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है, इसकी आवाज़ उठाइए और पटना साहब को हर सहूलत दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या पटना साहिब में और किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए ताकि आप लोगों को और बेहतर महसूस हो। हम लोग को बहुत अच्छे से व्यवस्था होना चाहिए और सब चीज़ के लिए, और जितना बाबा करवा सकते हैं उतना तो सेवा हो ही रहा है, और आगे मैं क्या बोलूँगी जो बाबा साहब के आज। सर पटना साहिब चूँकि लोक आस्था का केंद्र है, सिख श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था है यहाँ पे, लेकिन जिस तरह पटना साहिब का विकास होना चाहिए वो विकास हुआ है क्या? बहुत विकास हुआ है, जब से नीतीश कुमार जी हमारे जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं वो जब से ध्यान देने लगे गुरुद्वारे में विकास ही विकास, जहाँ देखिए आप सुंदर सुंदर जो है हर तरफ रोड आपको नजर आएगा, जहाँ पहले रोड नहीं था अब हर जगह रोड बन रहा है। अभी भी एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी बहुत खराब है, धीरे धीरे सब होगा, उम्मीद लगा ये सब होगा, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे चूंकि ना सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि बड़ी संख्या में विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सिख श्रद्धालुओं का मानना है कि जिस तरह इस लोक आस्था के केंद्र का ध्यान होना चाहिए सरकार की तरफ से, शायद वो नहीं हुआ, और यही वजह है कि इनके जो जनप्रतिनिधि है यहाँ से जो पिछले कई बार से चुनाव जीते रहे वो भी शायद इसको लेकर के उनका जो रवैया रहा वो भी ठीक नहीं रहा, और यही वजह है कि पटना साहिब में अभी भी ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे विकास की जो किरणें हैं वो नहीं पहुँची हैं, और अगर विकास हुआ भी है तो वो विकास काफ़ी नहीं है, चूँकि यहाँ पर बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी आते हैं, तो वैसे में बिहार की छवि और बेहतर बने इसके लिए काम होना चाहिए, लेकिन वो काम शायद अभी नहीं हुआ है, और यही शिकायत भी पटना साहिब से जुड़े लोगों की रही है। और अभी चलेंगे हम आगे और देखेंगे और जगह पे लोगों की क्या राय है, और वो पटना साहिब संसदीय क्षेत्र को लेकर के उनकी क्या सोच है, उनकी क्या मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के फिर हम लोगों से मिलेंगे और जानेंगे उनकी राय। निर्वैर अकाल मूरत अजूनि सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। लोक यात्रा के पड़ाव पर हम हैं पटना साहिब के मंगल तालाब पर, और यहाँ पे जानते हैं लोगों का मिजाज कि किस तरह पटना साहिब में लोगों का क्या सोचना है, किस तरह उनके जनप्रतिनिधियों ने काम किया है, कितना उनके उम्मीदों पर उनके जो सांसद रहे हैं खरे उतरे हैं, किस तरह का काम किया है। चूंकि पटना साहिब जो सीट है वो राजधानी पटना का सबसे प्रतिष्ठित
सीट माना जाता है, और चूंकि उसमें 75% जो मतदाता है वो शहरी इलाकों में रहते हैं, जबकि करीब 25% जो मतदाता हैं वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। एक बड़ी आबादी चूंकि शहर में रहती है तो शहर के लोगों की कुछ अपनी अलग अलग समस्याएँ होती है, लेकिन जो सांसद हैं उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे और क्या कुछ मुद्दे हैं जो जिनको लेकर के आप लोग वोट करेंगे, किस तरह की समस्याएं हैं आपके इलाके में? समस्याएं तो बहुत ही तरह की हैं, लेकिन हल होए तब ना, हल नहीं होने पा रही है। फिर भी जब अगर आपके प्रतिनिधि जो हैं उन समस्याओं को लेकर के गंभीर नहीं है, तो क्या आप लोग बदलाव के मूड में हैं? एकदम बदलाव के मूड में हैं। किस तरह के काम हैं जो काम नहीं हुए या काम होने चाहिए थे? आप तो क्या बताएं हम तो भाई। फिर भी आप चूंकि बुजुर्ग हैं, काफ़ी समय से पटना सिटी में रह रहे हैं, पटना सिटी की कई तरह की समस्याएं, जाम बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया नहीं है, चूंकि बाकी तो बिजली रोड पानी ये तो शहर में है, लेकिन ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के पटना सिटी हमेशा से अभाव झेलते रहा है। स्वास्थ्य की समस्या और जाम की समस्या तो बहुत ज़बरदस्त है, उसका कोई हल नहीं हो रहा है। ये बात तो सही है। ये तो क्या इस बार भी मतलब क्या कुछ होने वाला है? इस बार भी पुराने आपके जो सांसद हैं वो फिर मैदान में आ रहे हैं? हाँ, बदलाव होना जरूरी है। देखिए, पटना सिटी के लोगों का कहना है कि बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि जो सांसद हैं वो क्षेत्र में रहते नहीं हैं, समस्याओं को सुनते नहीं हैं, लेकिन इसके अलावा भी पटना सिटी में बहुत सारी समस्याएं, किस तरह की समस्याएं हैं और क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप लोग वोट करेंगे? समस्या तो बहुत है सर, समस्या में सबसे ज़्यादा तो है जाम से निजात। जाम का समस्या अभी तक हल नहीं हो पाया है, इसके लिए तो सांसद यहाँ पर लोकल है, कभी आए ही नहीं है मिलने के लिए कभी। आज इलेक्शन है तो आ जाते हैं, इलेक्शन के बाद कब कहाँ रहते हैं पता ही नहीं रहता है। हम लोग के तो खुद देखा हुआ, कब से 5 साल हो गया पता ही नहीं चला कि कब कौन सांसद यहाँ का है। बोला जाता है कि बिहार की सबसे VIP सीट है। सब बोला जाता है सर, ठीक है, यहाँ पर भाजपा का हम लोग वोट देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सांसद को वोट दिए, सांसद के नाते कभी भी नहीं आया। यदि उनको आना चाहिए था, समस्या का हल निकालना चाहिए था। आप मंगल तालाब पर आए तो मंगल तालाब को देखिए, पूरा गंदगी अंबार भरा हुआ है, इनके लिए कुछ भी नहीं किए। यहाँ पर नाम से बन गया मनोज कमलिया स्टेडियम, यहाँ पर कोई भी खेल कूद स्टेडियम नहीं है। और आपका यदि पानी यदि आता है बरसात के समय में होता है तो आप जाके देखिए मंगल तालाब पर पूरा पानी कमर पर भर जाता है पानी। बिल्कुल, ड्रेनेज बड़ी समस्या है शहर के लिए, जब बारिश होता है तो जल जमाव बहुत होता है। हाँ, तो इसके लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। और खाना पूर्ति के तौर पर आप पूरा पाट दिया गया नाला को, आखिर उसका समस्या का हल तो होना चाहिए ना। जल्ला तरफ से बन रहा था नाला, बन रहा था उसका पानी आखिर कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए, वह अभी तक हो नहीं पाया है। और अभी बहुत सा काम है ना, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान है, स्वास्थ्य के लिए आप जाइए यहाँ पर तो वहाँ पर ही नंबर लगाना पड़ता है गिरजा हॉस्पिटल, तो उसके लिए भी कोई उपाय नहीं है। तो कुल मिला के हम लोग को नहीं लग रहा है कि इस बार वोट देना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि अब कुछ बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, परिवर्तन ही जरूरी है सर। देखिए, बिल्कुल अभी भी लोगों का मानना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं इनके, जो सांसद हैं यहाँ के शत्रुघ्न सिन्हा, वो इनके बीच नहीं रहे हैं, यहाँ की स्थानीय समस्याओं को लेकर के कभी गंभीर नहीं रहे हैं। इसके अलावा भी पटना सिटी में बहुत तरह की समस्याएं हैं, व्यवसायिक इलाका रहा है, चूँकि सरकार को काफ़ी रेवेन्यू मिलता है इस इलाके से, लेकिन इसके बावजूद भी जो नागरिक सुविधाएँ मुहैया होनी चाहिए थी वो शायद नहीं है। क्या कहेंगे आप? ये आगामी लोकसभा चुनाव जो है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सांसद यहाँ है कौन? तो माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो फिल्म एक्टर है या सांसद है? बींग अ सांसद, बींग अ MP, आज तक तो पटना सिटी में उन्होंने कभी कदम रखा नहीं। बचे हुए मतलब बस आप समझ लो कि BJP के नाम पे उन्हें सांसद बना दिया गया, उनके बाद गुरुघर में जो काम हुआ उसमें भी वो नहीं आए, विश्वभर के लोग यहाँ आए उन्होंने अपना शक्ल तक नहीं दिखाया। समस्या तो देख लीजिए कि आज पटना सिटी की सारी गली खुली हुई है पाइपलाइन के नाम पे, वो अभी तक भरा भी नहीं आ चुका है, बहुत सारा गड्ढा खोदा है, ना ढलाई हुआ है, ना पाइपलाइन बिछा है, गंदा पानी है, तो समस्या ही समस्या है। आप अपने कैमरे को घुमा के देखिए, उस तरफ धोबी घाट बना है, और धोबी घाट कहाँ है और कपड़ा कहाँ सुखाया जा रहा है वो सब भी दिखाइए। उन तमाम चीज़ों को हम लोग दिखलाएंगे जो समस्याएँ हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या मूल समस्याएँ रही है और इन समस्याओं को लेकर के क्या पटना साहिब के जो भी सांसद रहे हैं कभी इन इलाके की समस्याओं को लेकर के गंभीर नज़र आए हैं? क्योंकि आप बुजुर्ग समस्या सवाल है कि सांसद अगर आते और देखते यहाँ कि क्या हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है,
तो सांसद आएंगे तब ना होगा, तो वो तो अब नहीं करते हैं तो कैसे होगा। वो तो एक बार जीत कर गए तो गए। अब रह गई बात कि यहाँ देखिए मारूफगंज मंडी, हम लोग रहते हैं मारूफगंज, हाँ मारूफगंज मंडी में जाइए, जो व्यापारी आते हैं और कुछ नहीं है वहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। शाम को तो इतनी जाम रहती है कि चलना मुश्किल रहता है। हम लोग जैसे आदमी तो थोड़ा सा नहीं इंतजाम से चले तो तुरंत धक्का लग जाएगा। तो यह समस्या जो है यह सुधार में नहीं हो रहा है। यहाँ मंगल तालाब में घूमने के लिए आइए तो देखिए खाली कचरा कचरा। अरे भाई ऐसा जगह होना चाहिए, पार्क, हम इको पार्क में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि अरे कितना फर्स्ट क्लास है। आई सिटी का सबसे बड़ा इलाका और सबसे बड़ा मंगल तालाब का नाम, हाँ मंगल तालाब, यहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है। लोग आते हैं विदेश से जहाँ तहाँ से आते हैं, एक बार घूमने के लिए आते हैं। अरे ये क्या बात है भाई, ये मंगल तालाब है। अरे देखिए तो इधर उधर 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 सब सवेरे आइए घूमने के लिए, तो वही स्थिति है। तो यह जो है सांसद का और क्या बोलता है कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका यह ड्यूटी बनता है कि वह इसकी सफाई करे, उसको देखे। संसद के नाम पर इतना पैसा आ गया, इतना करोड़, विकास का नाम कुछ नहीं है। जाके देखिए अभी बारिश होगी तो यहाँ से वहाँ तक खाली पानी दिखाई पड़ेगा रोड पर, और जो कहकर छोड़िए ना, तो पूरे पटना की समस्या है जल जमाव। जब भी बारिश होती है पटना जल जमाव में डूबता है। वो आपका कहना ठीक है, जल जमाव में डूबता है, लेकिन हम लोग जब टहलने के लिए आते हैं सुबह में, अभी नहीं बरसात के दिन में जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि रोडे पर यहाँ से वहाँ तक पानी है, टहलने जो जगह हो तो वो भी नहीं रहता है। क्या समस्या है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे हाँ चाहे पार्षद हो, चाहे एमपी हो, एमपी का तो मत पूछिए, एमपी का तो दर्शन है दुर्लभ है। तो देखिए ये चूंकि पटना सिटी का बड़ा केंद्र माना जाता है और चूंकि बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं, चूंकि यहाँ पे बगल में गुरु की जन्मस्थली है और ना सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उससे सटा हुआ है मंगल तालाब, एकमात्र ये जगह है जिसको पटना सिटी का लाइफ लाइन भी कहा जाता है, चूँकि यहाँ पर लोगों को प्राणवायु मिलता है, लेकिन वो प्राणवायु भी अब स्वच्छ नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर सांसद वाकई अगर इन समस्याओं को लेकर के गंभीर रहते या जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि उन समस्याओं को लेकर गंभीर रहते तो शायद आज पटना सिटी की ये हालत नहीं रहती। बात रही केंद्रीय विश्वविद्यालय की तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ का सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है। एक तो बेरोजगारी इस स्तर पर पहुँच गया कि एकदम पढ़ने के बाद भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े सेटर हैं और सेटर वही लोग हैं जिनकी सरकार, क्योंकि उस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह से वो बात है, वो फेकूरा में है, सिर्फ बोलते हैं करते नहीं हैं। जो भी नेता होता है वो इलेक्शन के टाइम पर ही लोग यहाँ आता है, घूमता है, हाथ घूमता है और उसके बाद से वो कहाँ गायब होते हैं वो पता ही नहीं चलता। लोक यात्रा के तीसरे पड़ाव पे हम पहुंच गए हैं पटना संसदीय क्षेत्र के। अभी हम लॉ कॉलेज घाट पे हैं और यहाँ पे क्योंकि ये पटना यूनिवर्सिटी का इलाका है, बगल में पीजी हॉस्टल है और जो हमारे साथ तमाम युवा हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले छात्र हैं और ये लोग काफ़ी लंबे समय से पटना में रहते हैं। तो जनप्रतिनिधियों को लेकर के क्या सोचते हैं, कैसे जनप्रतिनिधि होने चाहिए और जिस तरह पटना में समस्याएं हैं, चूँकि पटना यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विद्यालय के दर्जे की मांग लंबे अरसे से करते रहा है और इसको लेकर के लगातार यूनिवर्सिटी और तमाम छात्र संगठनों ने भी मांग की है, लेकिन वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। और आप क्या लगता है कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं पटना के, पटना साहिब के, वो कभी आप लोगों से मिले, आपकी आवाज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विद्यालय का दर्जा मिले? देखिए बात रही केंद्रीय विश्वविद्यालय की तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज से 50-60 साल पहले इस पटना साइंस कॉलेज को या पटना कॉलेज को हम लोग ऑक्सफोर्ड का ईस्ट का बोलते थे हवार्ड, तो वो तब के टाइम में तो सेम था, ना तो सेंट्रल था ना तो स्टेट था, तो बात चीज़ें सब वही है, लेकिन दिक्कत है कि हम लोग को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। बातें करने के अलावा लोग को काम करने पर ध्यान देना पड़ेगा, बातें कम लेकिन काम ज़्यादा होना चाहिए, ये चीज़ हमारे सिस्टम में होनी चाहिए। और जो भी नेता लोग आते हैं बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, वो छोड़ के मेनली काम क्या करना है उस पर फोकस करना चाहिए,
सिर्फ बतौलेबाजी से कुछ नहीं होता है। इस बार वोट में मुद्दा क्या रहेगा? इस बार वोट में मुद्दा रहेगा कि एजुकेशन को एकदम एम्पावर किया जाए और जो नेता लोग बोलते हैं बस उस बोलने का 10-20% अगर काम हो जाए तो देश हम लोग का कहाँ से कहाँ चल जाएगा। काफ़ी प्राउड हुआ करता था पटना का, शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब पहचान खो रहा है। खो रहा है, उसके लिए उसको इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नेता लोग आते हैं बोल के चल जाते हैं तो उससे करने से कोई फायदा नहीं होता। एक्चुअली इस पर कार्य करना चाहिए। तो क्या इस बार वोट पे चोट होगा? हाँ, होना तो चाहिए। युवा हैं आप लोग? हाँ, होता होगा, होगा ही। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के इस बार पटना के लोग मतदान करेंगे? क्या समस्याएं हैं? आप लोग युवा हैं, एजुकेशन सबसे बड़ी बात है। बिहार में प्रतिभा का पलायन एक बड़ा इशू रहा है हमेशा से। जो छात्र हैं बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में पढ़ाई के लिए जाते हैं क्योंकि बेहतर संस्थान यहाँ पे नहीं है। तो क्या लग रहा है कि वाकई सरकार काम कर रही है या आपके जनप्रतिनिधि को उस दिशा यहाँ का सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है? एक तो बेरोजगारी इस स्तर पर पहुँच गया कि एकदम पढ़ने के बाद भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। कोई छोटा सा छोटा भी जॉब के लिए एकदम आदमी दिन रात मेहनत कर रहा था पर भी जॉब हो नहीं रहा है। और दम सरकार तो दम बेरोजगारी पर ध्यान ही नहीं दे रही है, खाली बहुत वादे हुए थे चुनाव में। क्या लग रहा है, वादे पूरे हुए? अगर हम पटना विश्वविद्यालय की बात करें तो पटना विश्वविद्यालय का स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, समझे ना। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नहीं हैं पहले की जो अपेक्षा अगर तुलना करें गत वर्षों की और अभी वर्तमान समय का, तो पहले और अभी में काफ़ी डिफरेंसेस है। पहले यहाँ से कोई भी ऐसा एग्ज़ाम होता था तो उसमें सबसे पहले अगर नाम आती थी तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र का होता था। आज वो स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चल रहा है। इसका वजह ये नहीं है कि स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट में काबिलियत नहीं है। यहाँ की शिक्षा पद्धति जो है दिन प्रतिदिन हमारे वर्तमान सरकार के द्वारा तोड़ा जा रहा है, वर्तमान सरकार के द्वारा उसको खंडित किया जा रहा है। और लोगों को यहाँ के स्टूडेंट्स को विभिन्न भागों में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके तहत स्टूडेंटों को विभिन्न भागों में बांटा जा रहा है। तो अभी का जो फ़िलहाल मुद्दा है, अभी देखिए अभी हमारे फ़िलहाल हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या जिसको रोज़गार कहते हैं, और पटना ऐसे शहर जहां करोड़ों के संख्या में विद्यार्थी हैं और अभी काफ़ी समय से 10 वर्षों से यहाँ तो देखते हैं कि कम से कम 25 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और अब उसके बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिलती। यहाँ बहुत बड़े बड़े सेटर हैं और सेटर वही लोग हैं जिनकी सरकार है, तो कहाँ हमारे पास बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेधावी विद्यार्थी हैं, उनका रिजल्ट भी रुक जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो वर्तमान सरकार है, जो हम जो मोदी जी विकास की बात करते हैं, देखिए विकास बढ़ा है कहाँ। अभी विकास की बढ़ती तो यहाँ रोजगारी बेरोजगारी नहीं होती, यहाँ सब लोग रोजगार होते। अभी फिलहाल देखिए पॉलिटिकल साइंस में एक और नया चीज़ जोड़ा गया है, दीनदयाल उपाध्याय का चैप्टर जोड़ा गया है। उनका क्या योगदान है? बहुत सारे ऐसे हमारे जीतन राम मांझी जी थे, जो माउंटेन मांझी थे, जिन्होंने उतना बड़ा दशरथ मांझी जो इतना बड़ा कार्य किया, उनको सिलेबस में लाना चाहिए। ऐसे बहुत ऐसे मेधावी व्यक्ति हैं जो हमारे मॉडल्स हैं, उनको लाना चाहिए। ये तो जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं उनको गौण किया जा रहा है। हाँ, इस बार जो पिछले बार युवाओं से मोदी जी बात किए थे और उनको वादा किए थे कि हम रोज़गार देंगे और शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। आज इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हमारे युवा जवाब देंगे क्योंकि उस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह से वो वादे, वो फेकूरा में है, सिर्फ बोलते हैं करते नहीं हैं। अब युवा पीढ़ी जान गई है, जाग गई है कि क्या कर रहे हैं फेकूरा में, वो चौकीदारी, यानी कि वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ और हम जीत पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो जाग चुके हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में उनको कड़ी और चेतावनी के साथ मैं बताऊं कि इस बार उनको पता चलेगा और रियलाइज होगा उनको कमियों को। युवा के मन में क्या चल रहा है, चूंकि मतदान होना है, युवा देश के निर्माता होते हैं, क्या लग रहा है कि वाकई जो मुख्य मुद्दे हैं वो गौण हो गए हैं और सिर्फ जो है जाति धर्म इस पर पॉलिटिक्स? हम युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात बेरोजगारी का है। जैसे मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षीय योजना जब हुआ था उसमें 2.25 करोड़ मतलब हर एक साल 2-2 करोड़ का मतलब रोजगार का जो वादा किए थे वो भी नहीं पूरा कर पाए। हमारे विद्यार्थियों की सबसे बड़ी बात बड़की मुद्दा बेरोजगारी है। और जहाँ तक बात रही पटना विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा देने की, तो लैक ऑफ एजुकेशन पॉलिसी बिहार कह सकते हैं, बिहार की गवर्नमेंट उतने सशक्त नहीं है उतना, अथवा कहिए कि उसके तरफ जागरूक नहीं जुटे, मतलब क्या कह रहे हैं वोट बैंकिंग के लिए दौड़ दौड़ जब मतलब जो न्यूज आता है क्या कहते हैं
इलेक्शन आते हैं तब इस तरह का मुद्दा उठाते हैं। जितने भी जो पॉलिटिशियन आते हैं इलेक्शन टाइम जितने वादे करते हैं लगभग उतना भी पूरा कर दिया जाए कि तो हमारा देश बहुत आगे चल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात युवाओं के बीच जो है बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, उसी पर लोग मतलब देख करके वोट करेंगे और क्या है। तो देखिए ये पटना के युवा हैं और चूंकि पटना यूनिवर्सिटी एक कभी बिहार का शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था लेकिन अब उसकी वो अहमियत नहीं रही, तो कहीं ना कहीं इसके लिए राजनीति और राजनेता दोनों जिम्मेवार है। और वाकई सरकार ने अगर पहल की रहती तो इस दिशा में भी और बेहतर प्रयास हो सकता था। लेकिन क्या लग रहा है कि 5 साल में कभी आपके जो सांसद हैं उन्होंने आपकी आके समस्याओं को जानने का प्रयास किया, समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है ऐसे अभी आज तक ऐसे कोई। जब इलेक्शन होते हैं तब जाहिर सी बात है जब इलेक्शन होते हैं तभी आते हैं क्योंकि लोग वोट बैंक की आवश्यकता होती है तो उसके लिए आते हैं, और जब इलेक्शन होने के बाद वो अपना पैसा। आपको क्या लगता है आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए बात यह है कि हम लोग इतिहास से देखते आ रहे हैं कि जो भी नेता होता है वो इलेक्शन के टाइम पर ही लोग के यहाँ आता है, घूमता है, हाथ जोड़ता है, मांगता है, और उसके बाद से वो कहाँ गायब होते हैं हम लोग को पता ही नहीं चलता है। तो ये उनकी पुरानी एक आदत है, एक छवि है। और बात रही काम की और जॉब की और रोज़गार की, तो मेरा मानना है कि चीज़ें बदली है और नहीं भी बदली है। बदला ये है कि जो मैं पहले कोचिंग जाके मैं पढ़ता था, आज मैं वो सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पर पढ़ता हूँ, वो ऑनलाइन सिस्टम। और पहले के टाइम में जो होता था एग्ज़ाम में करप्शन ऑफलाइन के मोड में, आज वो सारे एग्जाम ऑनलाइन हो गए हैं। मैं मानता हूँ आज भी होता है, आज भी करप्शन होता है, लेकिन अगर पहले 500 सीट का होता था करप्शन तो आज होता है मात्र 20 का 30 का, पूरा 500 का नहीं होता। पहले क्या था सारा चीज़ ऑफलाइन था लेकिन आज क्या हर चीज़ ऑनलाइन है, होता है सेटिंग होता है लेकिन पहले की मात्रा में कुछ हुआ है, कुछ इसका डिक्रीज हुआ है। और बात रहा कि अगर डेवलपमेंट का, तो जॉब देखिए क्या है, 500 सीट है, बच्चे बैठ रहे हैं 10 लाख 20 लाख। अब कोई कितना भी पढ़ ले 9,95,000 पैसा बचा तो छटना है। कोई कितना भी माथा पीट ले उससे क्या फ़ायदा है, जॉब जितना सीट उतना ही नहीं मिलेगा किसी को। तो उससे अच्छा हम लोग को गवर्नमेंट पर ब्लेम करने से अच्छा है कि हम लोग खुद से बिजनेस स्टार्ट करें, हम लोग खुद से स्टार्टअप करें, फंडिंग करें। यदि बैंक लोन नहीं देते हैं तो हम लोग रिलेटिव के पास जाए, लोन मांगे, कुछ अपना हम लोग सीखे, जहाँ जहाँ जाए और कुछ अपना खुद से हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें। क्योंकि दूसरे पर ब्लेम करने से अच्छा है खुद से कुछ किया जाए, क्योंकि सरकार वही है, वही आएगी 5 साल 10 साल बाद, कुछ होगा नहीं, और जिसको जो कुछ करना है वो करके हमेशा आगे बढ़ेगा। ये थी हमारी लोक यात्रा के तहत, ये लोक यात्रा का अहम पड़ाव था। और ये चूँकि पटना यूनिवर्सिटी का इलाका है और जाहिर तौर पर सबसे अधिक छात्र रहते हैं और छात्रों की कुछ अलग ही समस्या है, लेकिन उनकी समस्याओं को भी सरकार को गंभीरता से लेना होगा, जनप्रतिनिधियों को गंभीरता से लेना होगा और समझना होगा कि आखिर छात्रों की ये नाराजगी उनसे क्यों है और इनको दूर करने के लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास अगर जितना जल्द हो वो बेहतर है, लेकिन अगर ये प्रयास नहीं होती तो ये नाराजगी बढ़ेगी और निश्चित तौर पे इसका आने वाला जो चुनाव है उसमें नेताओं को इसका खामियाजा भुगतना होगा। तो ये थी लोक यात्रा के तहत हमारी अहम पड़ाव, और इसके बाद हम मुखातिब होंगे किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र के में और जानेंगे वहाँ लोगों की क्या राय है। तब तक के लिए दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, आप देखते रहिए अजय भारत। बात रही केंद्रीय विश्वविद्यालय की, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ का सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है। एक तो बेरोजगारी इस स्तर पर पहुँच गया कि एकदम पढ़ने के बाद भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े सेटर हैं और सेटर वही लोग हैं जिनकी सरकार, क्योंकि उस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह से वो वादे, वो फेकूरा में है, सिर्फ बोलते हैं करते नहीं हैं। जो भी नेता होता है वो इलेक्शन के टाइम पर ही लोग यहाँ आता है, घूमता है, हाथ जोड़ता है, मांगता है, और उसके बाद से वो कहाँ गायब होते हैं हमको पता ही नहीं चलता।